नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुपोषण फ्री बिहार बनाने की राह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कसी कमर। नगर निकाय चुनाव में बनेगा सेल्फी पॉइंट व पिंक बूथ। भ्रष्टाचार की सूचना देने पर मिलेगा दोषी के अवैध कमाई का 2%। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद कर T20 वर्ल्ड कप का हिसाब किया चुकता। नौकरी के लिए विदेश जाने वालों की ऐसे मदद करेगी बिहार सरकार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कुपोषण फ्री बिहार बनाने की राह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कसी कमर। राज्य भर में कुपोषण मिटाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आंगनवाड़ी से लेकर मिड डे मील योजना के तहत स्कूली छात्रों को मिलने वाले भोजन व सरकारी राशन में अब अधिक पोषण वाले चावल, तेल, दूध अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर संबंधित संस्थानों में फोर्टिफाइड चावल देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा तेल व दूध पदार्थों में भी विटामिन ए व डी युक्त मिश्रण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए संबंधित विभाग को यह जिम्मेवारी भी सौंप दी गई है। आपको बताते चले कि फोर्टिफाइड चावल आयरन और विटामिन से युक्त होता है। इस चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड और जिंक जैसे सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री की। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी व संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक थे। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पूर्व 1994 में भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकार की थी। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वे उन थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निरालक की प्रेरणा से हिंदी में आए। शास्त्री जी का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले के मैगरा गांव में हुआ था। नगर निकाय चुनाव में बनेगा सेल्फी पॉइंट व पिंक बूथ। नगर निकाय चुनाव में इस बार काफी वक्त लग रहा है, हालांकि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि हर हाल में 3 दिनों के अंदर निर्वाचन पदाधिकारी यानी आरओ और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी यानी एआरओ की नियुक्ति का काम पूरा कर ले। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन 10 जिले पटना, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और भागलपुर जिले में आरओ और एआरओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। वहीं आयोग ने मतदान को रोचक बनाने के लिए सभी जिलों को चिन्हित नगर निकायों में पिंक बूथ बनाने का निर्देश दिया है। इन पर सिर्फ महिला कर्मियों की तैनाती होगी। इसके अलावा युवाओं को मतदान के प्रति आकर्षित करने के लिए बूथों पर सेल्फी पॉइंट बनाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में 2024 तक पूरा हो गया इन जिलों के ग्रामीण सड़क का चौड़ीकरण। बिहार में साल 2024 तक ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। मालूम हो कि बिहार के कई जिलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY Phase 3 के तहत सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की योजना है। इसके तहत कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में करीब 170 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़क बनाने की मंजूरी मिली है। इन सड़कों का निर्माण नवम्बर से शुरू होने की संभावना जताई गई है। साथ ही इनका निर्माण 2024 तक पूरा होने का संभावना है। और इसी के साथ इस चरण में राज्य के लगभग 35 जिलों में चयनित सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। भ्रष्टाचार की सूचना देने पर मिलेगा दोषी के अवैध कमाई का 2%। बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए निगरानी विभाग ने ठोस कदम उठाया है। इसके तहत अब भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि सूचना सही पाए जाने पर गुप्त सेवा कोष से सूचना देने वाले व्यक्ति को 1,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं कोर्ट में आरोपी का दोष सिद्ध होने पर अधिकारी की संपत्ति जब्ती आदि से सरकार को जो आय होगी उसका 2% भी दिया जाएगा। यही नहीं, गवाहों को आने जाने का किराया सहित प्रतिदिन 200 रुपये दिया जाएगा। मालूम हो कि आए दिन जांच एजेंसी भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर अवैध कमी के संबंध में छापा मारती है। विभाग का कहना है कि अवैध कमाई में इंजीनियर सबसे आगे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट के 156 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के कुल मिलाकर 156 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10th या 10+2 या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या PG डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन में पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर
जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बिहार के 99 शहरों की होगी जीआईएस मैपिंग। राज्य के 99 शहरों की जीआईएस मैपिंग कराई जाएगी। सभी शहरों का प्रॉपर्टी सर्वे भी होगा। आपको बता दें कि नगर विकास विभाग ने निकायों की आमदनी बढ़ाने तथा इलाके में रहने वाले लोगों की संपत्ति के सही आकलन के लिए पटना समेत राज्य के 99 शहरों और कस्बों का प्रॉपर्टी सर्वे और जीआईएस मैपिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से 18 सितम्बर तक प्रस्ताव मांगा गया है। डोर टू डोर होने वाले सर्वे के आधार पर सभी जगहों की जीआईएस मैपिंग की जाएगी। जीआईएस मैपिंग से शहर के सभी और मकानों की वास्तविक स्थिति और उस पर लगाने वाले कर की जानकारी हो सकेगी। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को लेकर टैक्स देने में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेगा। बिहार में अब होगा रंगीन मछलियों का उत्पादन, मिलेगा अनुदान। बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य सरकार अब बिहार में रंगीन मछलियों का उत्पादन कराएगी और इसके लिए मछली उत्पादक को सहयोग के तौर पर अनुदान भी दिया जाएगा। दरअसल पुराने पोखर और जल स्रोतों के सूखने तथा नदियों में लगातार शिकार के कारण लुप्त हो रही राजकीय मछली मांगूर का दिन वापस आने वाला है। कम पानी, कीचड़ और नमी वाली मिट्टी की मांद में बाहरी ऑक्सीजन पर जिंदा रहने वाली ये मछली गंगा, बूढ़ी गंडक और गंडक में फिर से वापस दिखेगी। वही गप्पी, प्लेटो, गोल्डफिश जैसी मछलियां ड्राइंग रूम के एक्वेरियम ही नहीं अब आंगन की शोभा और घर की आमदनी का साधन भी बनेगी। इसके लिए सामान्य वर्ग के मछली पालक को 50 तो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के मछली पालक को 70% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार मुफ्त में प्रशिक्षण भी दे रही है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना इस वजह से है बेहद खास। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक विज्ञान संग्रहालय है जिसका नाम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर रखा गया था। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 1978 को शिक्षा मंत्री श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने किया था। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई बनाता है। यह गांधी मैदान के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। विज्ञान केंद्र की अपना जनता विशेष रूप से छात्रों के लाभ के लिए की गई है। विज्ञान में गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए एक नया नवाचार केंद्र भी स्थापित किया गया है। 3D प्रिंटिंग, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाओं के साथ साथ उन्नत प्रयोगशालाओं जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को दिखाया आईना। सीबीआई के छापे को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, इस बीच विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जिस समय में हाफ पैंट पहन करके घूमते रहते थे उस समय में ही पहली बार बिहार में सीबीआई आया था और उनके पिताजी पर जांच शुरू हुई थी और उन्हें जेल भेजा गया था। यही नहीं, सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि जो लोग तेजस्वी यादव के साथ रह रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि बिहार में सीबीआई कब आया था। आज जो लोग सीबीआई को लालू प्रसाद यादव के पीछे लगाए थे, चारा घोटाले का साक्ष्य दिया था, वह तेजस्वी यादव के हितैषी बन बैठे हैं। यह बात तेजस्वी यादव को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। भागलपुर के बुनकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऐसे दिखा पाएंगे अपना हुनर। भागलपुर के बुनकर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपना हुनर दिखा पाएंगे। इन बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में लाने की तैयारियां चल रही हैं जो कि अब अंतिम चरण में है। जल्द ही हबीबपुर स्थित डिजाइन स्टूडियो एंड प्रोडक्शन सेंटर तैयार हो जाएगा। उद्योग विभाग ने सितंबर में इसे चालू करने की तैयारी कर रखी है। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य मार्केट के अनुरूप बुनकरों को आधुनिक डिजाइन उपलब्ध कराना और उन्हें डिजाइन की जानकारी देना है। इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करेगा। स्टूडियो में तैयार किए जाने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता व डिजाइन की जानकारी अधिक से अधिक बुनकरों को दिया जाएगा। इससे बुनकरों के कपड़ों की अधिक मांग होगी और उनके मुनाफे में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो सकेगी। मौसम विभाग के रेड अलर्ट ने दियारा क्षेत्र के लिए बढ़ाई चिंता। बिहार में मॉनसून की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। खासकर गंगा के तटीय इलाके में अगले 2 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। एक और जहां आग उगलती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट ने बिहार सरकार खासकर पटना जिला के प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गंगा पहले ही बिहार में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गंगा में यमुना, केन, बेतवा, सोन आदि नदियों के रास्ते पानी का आना भी जारी है। ऐसे में अगर बिहार में अधिक बारिश होती है तो बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं।
नौकरी के लिए विदेश जाने वालों की ऐसे मदद करेगी बिहार सरकार। नौकरी करने के लिए विदेश जाने वालों की बिहार सरकार मदद करेगी। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया गया है। विभाग की कोशिश है कि रोजी रोजगार के लिए विदेश जाने वाले ठगी के शिकार ना हो, इसके लिए यह विशेष पहल की जा रही है। वर्ष 2020 में समुद्र पार नियोजन ब्यूरो को रिक्रूटिंग एजेंट के रूप में मान्यता मिली। इसी के आलोक में विभाग ने तय किया है कि विदेशों में अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए सहायता की जाए। इसके लिए नियोजन हेतु चयनित आवेदकों के लिए अल्पकालीन शिक्षण या रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। यह प्रशिक्षण विदेश मंत्रालय के ई माइग्रेंट पोर्टल से संचालित है। महात्मा गांधी सेतु पर चलती बस में लगी आग। बीते दिन महात्मा गांधी सेतु पुल पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। दरअसल पटना और हाजीपुर के बीच गंगा पर बने महात्मा गांधी सेतु पर बीते दिन सुबह बड़ा हादसा होते होते बच गया। महात्मा गांधी सेतु पाया नंबर 37 के निकट एक घटना हुई जहां एक चलती बस में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही गंगा ब्रिज थाने की पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर वहां पहुंची। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बस में सवार लोगों ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई। एक अन्य हादसे में पाया नंबर 19 पर एक बस ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी जिसमें वह व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सुशील मोदी ने कहा, सुरेंद्र यादव को मंत्री बनाकर नीतीश ने बिहार को किया शर्मसार। बिहार भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुरेंद्र यादव को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार कर दिया है। दरअसल बीते दिन सुशील कुमार मोदी ने जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव बाल यौन अपराध, महिला आरक्षण बिल की कॉपी संसद में फाड़ने वाले, अतुल अपहरण कांड, मेडिकल छात्रों पर फायरिंग, तिलकुट व्यापारियों से हिंसक झड़प, कांग्रेस के पूर्व विधायक की निर्मम पिटाई के आरोपी हैं, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। सुरेंद्र यादव पर पोक्सो एक्ट की धारा 13 के तहत मामला भी दर्ज है। सुरेंद्र यादव चार्जशीटेड हैं, जमानत पर हैं, चार्ज फ्रेम हो चुका है और मामले का ट्रायल चल रहा है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से मांग की है कि गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी एवं भ्रष्टाचार के आरोपों में चार्जशीटेड लोगों को अविलंब मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करें। सुरेंद्र यादव का मंत्री होना बिहार को शर्मसार करता है। नीतीश कुमार ऐसे लोगों को मंत्री बनाकर बिहार की कैसी छवि पेश करना चाहते हैं। आईआईटी पटना की प्रियंका बनी विमेन ऑफ मेटल सीजन 6 की विजेता। आईआईटी पटना की प्रियंका ने टाटा स्टील विमेन ऑफ मेटल सीजन 6 का खिताब जीता है। प्रियंका आईआईटी पटना की बीटेक तृतीय वर्ष मेटलर्जिकल एवं मटेरियल्स इंजीनियरिंग की छात्रा हैं। प्रियंका को बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर देश भर के संस्थानों में श्रेष्ठ प्रतिभागी के रूप में चुना गया है। आपको बताते चले कि इस योजना के तहत शीर्ष 10 उम्मीदवारों को टाटा स्टील में करियर बनाने के अवसर के अलावा 2,00,000 एक मुश्त छात्रवृत्ति मिलती है। प्रियंका समेत इन 10 चयनित उम्मीदवारों को टेक्निकल इंटर्न के रूप में टाटा स्टील में मौका मिलेगा। बाद में उन्हें एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिलेगा। 50 से भी अधिक अभिनेताओं की मिमिक्री कर लेते हैं पटना के ये रिक्शा चालक। बिहार की राजधानी पटना के एक ऐसे रिक्शा चालक जो 50 से भी ज़्यादा कलाकारों की मिमिक्री कर सकते हैं, लेकिन उनके कला को अभी तक बड़ा स्टेज नहीं मिल पाया है जिसके वे सही मायने में हकदार हैं। उनकी कला के दीवाने विधानसभा से लेकर गलियों तक के लोग हैं। बचपन से लेकर युवा तक घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रिक्शा चालक को अभी भी आस है कि कोई उसकी कला का कदरदान जरूर मिलेगा। दीपक बताते हैं कि उन्हें बिहार विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कार भी मिल चुका है। पेशे से रिक्शा चालक दीपक मूल रूप से झारखंड के धनबाद जिले के तोपचांची के रहने वाले हैं। दीपक न केवल देवानंद बल्कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अमरीश पुरी, अजीत, पृथ्वीराज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार की आवाज़ को बखूबी उसी अंदाज में निकाल देते हैं। सीबीआई के छापे पर एकजुट हुआ महागठबंधन। पिछले सप्ताह एक ही दिन में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिहार में राजद के 6 नेताओं के आवास सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद राजद खेमे में हड़कंप मच गया। हालांकि इनका कहना है कि छापेमारी कोई नई बात नहीं है, इन सबसे वो डरने वालों में से नहीं है। वहीं बीते दिन नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर निकलने और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद बीते दिन जदयू कार्यालय में महागठबंधन घटक दलों की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसके माध्यम से महागठबंधन दल के नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की और सीबीआई ईडी के द्वारा जांच को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला किया। महागठबंधन के नेताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को चिताया और कहा कि अब बीजेपी की सरकार समाप्त होने वाला है। सुशील मोदी के सरकार गिर जाने वाले बयान पर नीतीश कुमार ने ली फिड़की। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर पलटवार किया है। सुशील मोदी के लगातार हमले पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनको ऐसे ही रोज़ बोलना चाहिए।
रोज बोलेंगे तो तब ही ना केंद्र वालों की नज़र सुशील मोदी पर पड़ेगी और उनको फिर से कोई पद मिल जाए। सीएम नीतीश ने तंज कसते हुए कहा कि सुशील मोदी को अगर बोलने से कुछ मिल जाएगा तो हमें काफ़ी खुशी होगी। दरअसल जब सीएम से सवाल किया गया कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, इसी पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील जी कह रहे हैं तो कहिए, जल्दी करा दीजिए ताकि उनको कहीं कोई जगह मिल जाए। नीतीश कुमार पर फिर बरसे चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीते दिन पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पद का सही से निर्वहन नहीं किया, लेकिन अब 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने चले हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कह रही है, वहीं जो रोजगार के लिए अपनी मांगों को रखते हैं उन पर पटना में लाठीचार्ज किया जाता है। बता दें कि पिछले दिनों पटना के व्यस्त डाक बंगला चौराहा पर एडीएम के द्वारा तिरंगा लिए युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे हर महीने दिए जा रहे 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता दे रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल PIV फैक्ट चेक द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि यह मैसेज फर्जी है, भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है, कृपया कर ऐसे मैसेज फॉरवर्ड ना करें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों को हराया। भारत की केंद्र सरकार ने 1947 में अपनी अगुवाई में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखने के कार्य को जारी रखा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। कांग्रेस ने 1957 में नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित किया। खिलाड़ी मेजर ध्यान चंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक के राधाकृष्णन का जन्म 29 अगस्त 1949 को हुआ था। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माधव श्रीहरि अनी का जन्म 29 अगस्त 1980 को हुआ था। फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर जीतने वाले निर्देशक रिचर्ड एटन बड़ा का निधन 29 अगस्त 2014 को हुआ था। और आज ही के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिना कार्यालय का चक्कर काटे अपने घर पर ऐसे मंगवाए वोटर आईडी कार्ड। अक्सर इलेक्शन के दौरान ज़्यादातर लोग जिनको वोटर आईडी नहीं मिला होता है वो सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते हैं। किसी भी प्रकार के चुनाव में अपने मतदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ऐसे में हम आपको एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने घर बैठे अपने वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब होम पेज पर नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर पर क्लिक करें। यहाँ फॉर्म नंबर 6 डाउनलोड कर जानकारियाँ इसमें भरें, फिर सबमिट पर क्लिक करें। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक प्राप्त होगा। इस लिंक के जरिए आप वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस आसानी से ट्रैक कर सकेंगे और इसके बाद हफ्ते भर में आपका वोटर आईडी आपके घर भेज दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा दूर की जाए कि नल का जल योजनाओं की गड़बड़ियां। बीते दिन 14 लाख के योजनाओं का शिलान्यास करने पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम रोहतास जिला पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नल जल योजना में जहां जहां भी गड़बड़ियां पाई गई हैं उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा ताकि योजना के क्रियान्वयन में जहां कहीं भी त्रुटियां हैं उसे सुधारा जा सके। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से रोहतास जिला के क्षेत्र को बिहार सरकार में सम्मान मिला है, ऐसे में इस इलाके के विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में विकास की कई योजनाओं पर काम किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद कर T20 वर्ल्ड कप का हिसाब किया चुकता। एशिया कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को कांटे की टक्कर से 5 विकेट से हराया। आपको बता दें कि भारत ने 148 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 19 ओवर 4 गेंद में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मुकाबले में रोचक मोड़ तब आया जब जडेजा आखिरी ओवर में 35 रन बनाकर बोल्ड हुए और भारत को 7 रन चाहिए थे। इस बीच हार्दिक ने छक्का लगाकर भारत को यादगार जीत दिलाई। इंडिया की तरफ से सबसे अधिक 4 विकेट अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने चटकाए। वहीं विराट कोहली के फॉर्म को लेकर सभी की निगाहें उन पर टिकी थी। इस दौरान विराट ने अपने फैंस को नाराज नहीं करते हुए और सम्मानजनक स्कोर बनाते हुए 34 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मंजूश कुमार, अनवर करीम खान, मनोज राम, राजा कुमार, अशोक कुमार प्रजापति, आफताब आलम, अर्जुन प्रसाद, अखिलेश यादव, मृत्युंजय कुमार, रोहित रोशन, अशोक कुमार, गुंजा कुमारी और पंकज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों को इनाम देने का फैसला किया है, आपको यह पहल कैसी लगी? क्या इस पहल से भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने में निगरानी विभाग को मदद मिल पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।